नवरात्रों और दिवाली का तोहफा जो है वो गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने अपने तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया है। और आपको बता दें कि डीए में हाइक जो है वो हो चुकी है 4% और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 4% डीए जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बात यहां पर अटकी थी कि 3% मिलेगा या 4% मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने जो है इस पर चुप्पी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 4% डीए जो है वो अप्रूव कर दिया है, जो कि तमाम पेंशनर्स को भी मिलेगा और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी मिलेगा। अब तक की ये बड़ी खबर है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो ये रास्ता देख रहे थे, वो कयास लगाकर बैठे थे क्या इस बार की दिवाली, क्या इस बार के नवरात्रे, क्या आने वाला दशहरा कहीं फीका तो नहीं हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि इसे महंगाई भत्ता कहा जाता है और सरकार हर साल 2 बार जो है ये देती है, यानी पहले के 6 महीने और आखिर के 6 महीने। अगर आप लोगों को अब ये मिल रहा है तो आप लोगों को ये बढ़ा हुआ डीए जो है वो 1 जुलाई से मिलेगा। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और तमाम पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि अब तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो सरकार को देख रहे थे क्या सरकार उन्हें दिवाली से पहले पहले उनकी जेब जो है वो भरती है या नहीं भरती है। लेकिन आपको बता दूं कि सरकार ने जो है तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेबों को भर दिया है और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि सरकार इस पर भी विचार विमर्श कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जितने भी कर्मचारी हैं केंद्र के उनको ये डीए जो है वो मिल चुका है और ये बड़ा हुआ डीए जो है वो सरकार ने यानी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये खबर बता रही हूँ, अभी तक ये खबर जो है तमाम एम्प्लॉयज तक पहुंच गई होगी क्योंकि 1 जुलाई की बात करते हैं वहां से मिलने वाला, जुलाई की बात करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 4 महीने, ये जो खबर मैं आपको दे रही हूँ अभी यहाँ अक्टूबर का महीना चल रहा है तो 4 महीनों का ये आपको मिल रहा है। लेकिन बात ये है कि कितना परसेंट मिल रहा है, पहले 42 मिला था साल के इस साल की जनवरी से, लेकिन कहा जा रहा था कि 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 4% बढ़ चुका है, 46% जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। इससे कई लाख लोगों को फायदा मिलेगा और कई लाख ऐसे लोग होंगे जिन्हें पेंशन का फायदा मिलेगा। लेकिन अब आप लोग जानना चाहेंगे कि कितने पैसे बढ़े हैं, जिनकी 18,000 रुपया बेसिक सैलरी है पहले उन्हें जो है 42% के हिसाब से जो है बड़ी हुई राशि मिलती थी 7,560 रुपये, लेकिन अब 46% होने की वजह से बड़ी हुई राशि हो गई 8,280 रुपये, यानी 720 रुपया उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा हुआ है। जब आगे आ जाते हैं एरियल भी मिलेगा, इसी के साथ ये भी बताया गया है कि डीए पर सरकार की नई मंजूरी है कि 1 जुलाई से जो है प्रभावित होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ जो है आपको एरियल भी मिलेगा, यानी डीए और डीआर जो है वो बढ़ाया गया, डीए डीएनएस अलाउंस भी बढ़ाया गया है और डीआर भी बढ़ाया गया है, ये तमाम पेंशनरों का भी बढ़ाया गया, यानी जो लोग पेंशन लेते हैं उनके लिए भी राहत की खबर है और जो लोग सैलरी लेते हैं उनके लिए भी राहत की खबर है। अब 56,900 रुपया सैलरी लेने वालों के लिए 42% पर था, 23,898 रुपये जोड़ा जाता था, लेकिन 46,000 होने के बाद में यही 23,000 बढ़कर 26,174 है। यानी आपको मैं ये बता दूं अक्टूबर की सैलरी के साथ कुल 4 महीने का भत्ता यानी 9,104 रुपये जो है वो मिलने वाला है, एक बड़ी राहत की खबर है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है वो हमेशा से लोगों के बारे में सोचती है और इस साल दिवाली की बात करते हैं, इस साल दशहरे की बात करते हैं, आज चौथा नवरात्र की बात करते हैं, आप लोगों को राहत मिलेगी और सबके खाते में पैसे जो है वो दिवाली से पहले आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि महंगाई भत्ता जो है वो आपको यहीं से मिलेगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर के साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो गरीबों को राहत देने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, किसानों की भी बात की गई है, किसानों के मुद्दों के भी बारे में कहा गया है कि हम हमेशा किसानों के हित के बारे में सोचते हैं, यानी अब आपको जो बढ़ी हुई सैलरी है जो आप सोच रहे थे कि आपको डीए जो है 45 मिलेगा, 45 नहीं 46 मिलेगा और 42% प्लस 4 हो गया यानी 46 आपको मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम जो है कर्मचारियों के लिए डीए को अप्रूवल दे दिया है, साल 2023 में जिस तरह से बात करते हैं आपको पहले मिल चुका है, अब आपको जो है दूसरी बार डीए मिलने जा रहा है और ये तमाम केंद्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने की बात करते हैं उन्होंने कहा था मिलेगा, लेकिन कैबिनेट ने इसे अप्रूव करते हुए 4% बढ़ा दिया है। ये है अब तक की बड़ी खबर।